हेलो फ्रेंड्स, आई एम इस्माइल मित्तल एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन। एंड आज हमने नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी करनी है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट कर कर सॉल्ट बनाते हैं एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ मेटल्स होते हैं जो बहुत जल्दी, ठीक है, विग्रेसली का मतलब होता है बहुत जल्दी, बहुत फास्ट, ठीक है, मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। एंड कुछ मेटल्स होते हैं जो बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं, बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। ठीक है, और कुछ तो ऐसे मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो रिएक्ट ही नहीं करते एसिड के साथ, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, जैसे कि जो जिंक है, ठीक है, जो जिंक है ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, जिंक सल्फेट ZnSO4। ठीक है, ये ZN है जो, ठीक है, इसके साथ ये SO4 लग गया, ठीक है, आके, और जो H2 है ये अकेला रह गया, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है Zn+H2SO4, तो क्या बनता है, ZnSO4, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस है वो बाहर चली जाती है। ठीक है, मतलब उड़ जाती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस बाहर चलेगी, उसके लिए हमने क्या करना है, जिस टेस्ट ट्यूब में ये सोल्यूशन होगा, मतलब जिंक डाला होगा या कोई भी मेटल और एसिड डाला होगा, ठीक है, तो उसमें रिएक्शन होने लग जाएगी और सॉल्ट बनने लग जाएगा, जैसे कि ZnSO4 बन रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस बाहर जा रही होगी, उसे उसका पता कैसे चलेगा, हमें एक जलती हुई माचिस उसके पास लेकर जाएंगे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के ऊपर, और वो क्या करने लग जाएगी, पॉप की आवाज़ करेगी। ठीक है, क्या करेगी, पॉप की मतलब जो गैस है वो एक तो आग पकड़ लेगी और पॉप पॉप की वो आवाज़ निकालने लग जाएगी, ठीक है, वो गैस। ठीक है, जिससे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस बाहर जा रही है, ये एक निशानी है, आप याद कर लीजिए कि जब भी हाइड्रोजन गैस किसी भी चीज़ से बाहर जाती है, अगर हम उसके पास कोई भी जलती हुई माचिस लेकर जाएँ या जलती हुई कैंडल लेकर जाएँ, तो वो पॉप पॉप की आवाज़ करती है। ठीक है, जैसे कि बुलबुले फूटते हैं, ठीक है, पॉप पॉप करके, ठीक है, उसी तरह की आवाज़ हाइड्रोजन करती है। ठीक है, तो ये था रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद एसिड, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, एसिड्स के साथ नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं एंड जो नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ विद बेसिस। ठीक है, अब मेटल्स के एंड नॉन मेटल्स की बेस के साथ हमने रिएक्शन देखनी है। ठीक है, तो सिर्फ कुछ मेटल्स होते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि जिंक है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, जो बेस के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है अल्कलाइज, तो एक ही बात है, चाहे बेस कह लीजिए चाहे अल्कलाइज कह लीजिए। ठीक है, तो अल्कलाइज के साथ रिएक्ट करते हैं कुछ ही मेटल, जैसे कि जिंक, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो बेस कौन कौन से, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी जब ये रिएक्ट करते हैं मेटल्स बेसिस के साथ, तो सॉल्ट बनते हैं एंड हाइड्रोजन गैस बाहर चली जाती है, हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकल जाती है। तो जब एल्युमिनियम में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो सोडियम एल्यूमिनेट बन गया एंड हाइड्रोजन गैस बाहर चली गई। ठीक है, और नॉन मेटल्स भी बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं एंड वो कुछ कम्प्लेक्स साल्ट बना देते हैं, मतलब बड़े साल्ट। ठीक है, और जो बड़े साल्ट बनाते हैं, ठीक है, ये आप अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आप हायर क्लासेस में आगे पढ़ोगे। ठीक है, जब आप बड़े हो जाओगे 9th 10th में आपको ये सारा आएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड एंड बेसिस। ठीक है, तो इसी के साथ मेरी वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।